ओके मैंने वो पोस्ट कर दिया है. आई थिंक आई विल जस्ट वेट फॉर पीपल टू ज्वाइन इन नाउ. हाँ हाय हाय अभिजीत, हाय हाय एवरीवन, हेलो वेलकम बैक. बिकॉज वो पहला वाला वीडियो मैंने स्टॉप किया, लास्ट टाइम के जैसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे तो मुझे वो उस वीडियो सेव करना था, बिकॉज बाद में लोगों को भी पसंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एड्रेस मिलेगा. हेलो सुशांत, हाय हाय सुशांत, वेलकम बैक अगेन. यू आर देयर लास्ट टाइम ऑल्सो, यू आस्क्ड सम वंडरफुल क्वेश्चंस लास्ट टाइम. मिलान, हाय मिलान, रोहित, एवरीवन, माहिम, हाय हाय माहिम, हाय मिलान, एवरीबॉडी हेलो अगेन. आपको अगर मेरे से बात करना है तो यू कैन जस्ट सेंड मी योर रिक्वेस्ट एंड देन वी कैन इंटरैक्ट. और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. लॉ स्टूडेंट्स के साथ काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो हम अभी ना जनरल क्वेश्चन, अगर आपको कोई आपके केस रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा ना, कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो आप पूछ सकते हो, तो आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट ऑल्सो. So you can just ask me some general questions. We have addressed all law related questions, and if you have any more law related questions, you can ask. Shaky is a law student. Abhishek is doing his LLM. So if he has any question regarding that, he can also ask me. Raj has a question. मेरी girlfriend मेरे से बात नहीं कर रही है, मुझे केस फाइल करना है. अरे बाप रे. तो क्या मतलब है ऐसी girlfriend का, अगर वो बात ही नहीं कर रही आपसे तो क्यों रखी है? ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं कर रही, आपने कुछ किया क्या, गलत किया होगा, फिर आपने पता चला उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया और वो मुझे पूछ रही है क्या करना चाहिए. पहले आप मुझे ये बताइए, उसने कुछ किया या आपने कुछ किया उन्हें, फिर मैं आपको एडवाइस दूंगी. अच्छा राज चौहान, आपकी गर्लफ्रेंड है तो नहीं ना मेरे पेज पे? उसी ने मुझे भेज दिया कुछ रिक्वेस्ट. Dovi is asking LLM करना है, गाइड करो दी. अच्छा LLM आपको किस में करना है ये बताइए मुझे. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, लोगों को LLM स्पेशलाइजेशन किस में करना है बताइए मुझे. मेरा तो इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ था, आपको किस में करना है? मैंने सिम्बॉयसिस से किया था, पुणे सिम्बॉयसिस. आपको LLM किस में करना है? Dovi, हाय पूजा, डू यू नो anyone who is preparing for NCA exam? आई डोंट पर्सनली नो एनीबडी, बट अगर यहाँ पे कोई होगा एनसी एग्जाम के लिए तो सुशांत को बताइए आप. बिल्कुल Dovi, आपको मैं सवाल का जवाब देती हूँ तब तक. LLM अगर करना है ना तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है काफी सारी. एक तो क्लैट होगी, क्लैट में नेशनल लॉ स्कूल में LLM करना है तो उसको क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आपको महाराष्ट्र या कोई आपके स्टेट के कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज में, तो सीईटी थ्रू जाना पड़ेगा. सीईटी में जैसा आपका स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे. तो आप तीन ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो आपको कौन से कॉलेज में लेना है, वो एक ऑप्शन है. और LLM आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में करना है तो उसके लिए आपको LSAT, ये वो, सॉरी नॉट LSAT, यू विल हैव टू गिव TOEFL वगैरह वगैरह, ये सब जनरल एग्जाम्स और वो सब देके आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप LLM कर सकते हो 1 ईयर का. I would suggest doing LLM in India because it does not make sense going to a foreign country and doing law, especially law के लिए आप इतना 40-50 lakhs दे रहे हो और उधर के लॉ पढ़ के इधर आ रहे हो, मतलब आपको इधर भी उसका यूज नहीं है और आपको उधर भी उसका यूज नहीं है, तो why है? वेकेशन करो ना उसमें इतने सारे पैसों में, तो एक BMW ले लो यार. So and then go to the court every day for your internship in a BMW. तो इंडिया में आपको LLM करना है. और सिम्बॉयसिस में करना है तो आपको उनकी SET देनी होती है, सिम्बॉयसिस एंट्रेंस टेस्ट, विच इज ऑल्सो डिफिकल्ट, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. जनरली आप वो लॉ के जो बुक्स होते हैं MCQ के, वो लाओ और उसके ऊपर रोज प्रैक्टिस करो. एक 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 MCQ होता है, वो एक 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 MCQ आप सॉल्व करो, 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा. कोचिंग भी लगा सकते हो, कोचिंग भी होती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए. यू हैव डिफरेंट कोचिंग विच इज रियली गुड. यू कैन डू अ क्रैश कोर्स, आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो. यू कैन डू अ क्रैश कोर्स एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड यू विल गेट इनटू एन अमेजिंग LLM कॉलेज फॉर श्योर. और जस्ट LLM के लिए सिर्फ क्लैट और CET देने से नहीं होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें से आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें से आप शॉर्टलिस्ट हो. ये सिम्बॉयसिस का बता रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम सिम्बॉयसिस. तो पहले एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसके बाद GD हुआ, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू हुआ. पर्सनल इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी. डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए उसके लिए, करंट जो लॉ रिलेटेड कुछ
जजमेंट्स आए, लैंडमार्क जजमेंट, उसके बारे में आपको पूछ लेंगे, आपको पता नहीं होगा तो देन यू आर गॉन, देन देयर इज नो यूज ऑफ क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम, लाइक सी योर मल्टीपल चॉइस वाला वो जो होता है वो, और जीडी का कोई यूज ही नहीं है पर्सनल में, आपको कुछ आया नहीं तो. तो न्यूज़पेपर पढ़िए बहुत सारा, न्यूज़पेपर तो लॉयर्स को पढ़ना ही चाहिए, वैसे भी सबको ही पढ़ना चाहिए यार लॉयर्स. क्या मैम, आई मीन फर्स्ट ईयर LLB, आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप. अच्छा, आपको प्रीतम, ओके, अभिजीत सिंह, सो फनी, हाँ आई एम वेरी फनी, आई कीप क्रैकिंग जोक्स ऑल डे, मेरा बस चले तो मैं कोर्ट में भी जाके जोक्स मारू, उधर मुझे थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है तो. और मैं यहाँ पे, मेरा ये पेज आपको देख के लगेगा मैं कितनी सीरियस सीरियस टाइप की लड़की हूँ, बट नहीं, मेरे भाई को पूछिए आप, मैं ऑल द टाइम आई एम सम अनदर जोन ओनली, मैं पूरा टाइम जोक मारते रहती हूँ. एंड मैम, आई एम, हाँ फर्स्ट ईयर LLB में हो आप, आपको इंटर्नशिप नहीं यार, आप फर्स्ट ईयर में क्यों इंटर्नशिप कर रहे हो यार, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप थोड़ा सा रिलैक्स करो यार, थर्ड ईयर से इंटर्नशिप चालू करो. फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप सिर्फ वीडियोस देखो मेरे, और आप सिर्फ MCQ और पढ़ाई करो, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जो भी सोशियोलॉजी, सिंपल सिंपल तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स है वही पढ़ो बस. फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप इतना लोड मत लो, सेकेंड थर्ड ईयर से आपको लॉ के सब्जेक्ट्स चालू होंगे, तभी आपको समझेगा इंटर्नशिप में क्या करना है. आपको अगर फर्स्ट और सेकेंड ईयर में करना है तो आप कुछ क्रिएटिव इंटर्नशिप करो, मार्केटिंग वगैरह में करो. मतलब मार्केटिंग में इंटर्नशिप करने से आपको क्या होगा, क्लाइंट्स से कैसे डील करना है, लॉयर्स को वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, हाउ टू टॉक टू देम अबाउट द फीस, हाउ टू एवरीथिंग, वो सब जो रिलेशन होता है क्लाइंट एंड लॉयर का, वो शायद मार्केटिंग में आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ सकता है उसमें, तो आप वो नॉलेज इधर यूज कर सकते हो. दैट्स माय एडवाइस, यू डू सम मार्केटिंग रिलेटेड इंटर्नशिप इन योर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. थर्ड ईयर से आप लॉ रिलेटेड चालू कर दो बिंदास, डोंट डू इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में कॉलेज लाइफ एंजॉय करो यार, प्लीज. ओके, प्रीतम सिंह, आई एम एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इन टैक्सेशन लॉ. तो आप एक CS और आप फर्स्ट ईयर में हो ना, पर थर्ड ईयर में आप CS या फिर कोई CA की फर्म होगी ना, वहाँ पे आप ज्वाइन करो. या फिर टैक्सेशन रिलेटेड काफी सारे फर्म्स है पुणे बॉम्बे में, पुणे और मुंबई में, उधर आप ज्वाइन कीजिए एज एन इंटर्न. वहाँ पे आपको, अगर आपको टैक्सेशन में ही करना है प्रैक्टिस, तो आप टैक्सेशन की ही फॉर्म ज्वाइन कीजिए, दूसरा कुछ करके टाइम वेस्ट मत कीजिए. और अगर आपका डिसाइड नहीं है तो आप अलग अलग इंटर्नशिप, एवरी ईयर दो इंटर्नशिप करो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये मुझे फॉरएवर मेरे लाइफ में करना है, आप उसको परस्यू कीजिए. सो डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर थिंग एट सच एन अर्ली स्टेज. मैंने किया था वो, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉर्पोरेट ही करना है, पर लुक एट मी, मैं लिटिगेशन कर रही हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आया कॉर्पोरेट. फिर मैं बोली मैं नहीं कर सकती हूँ पूरा लाइफ टाइम, आई कांट सिट इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप एंड वर्क 24/7 एंड जस्ट बी पेड लाइक अ लमसम सैलरी. तो मुझसे नहीं हुआ, तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगी आप अलग अलग इंटर्नशिप्स करो, उसमें से आपको जो पसंद आता है वो आप करो. पर अगर आप CS और CA कर रहे हो और आपको टैक्सेशन ही करना है, तो देन गो ओनली फॉर टैक्सेशन इंटर्नशिप्स. हाय स्वा, आई होप योर, आई गेस योर नेम इज स्वाति और स्वरा. Hi, I'm Dr. Chandravir. How are you? Great work. Thank you. Nice to meet you, Doctor. And thank you so much. I am so glad you all like it. I want to know some judiciary exam. Please accept my request. Achha, Saurav Kumar. Abhi to baat ki na humne. Mujhe request nahi aayi aapki. Riya joined. You waved at. Achha. Hi, Riya. AK Bansal. जुडिशियरी की एग्जाम जिनको देनी है, हुएवर इज इंटरेस्टेड इन जुडिशियरी, पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत, ये जान लो. एंड इट डज नॉट स्टॉप देयर. आप जब जब जज बन जाओगे, तब भी उसके बाद भी आपको पढ़ाई करती है, वो तो लॉयर्स को भी करनी पड़ती है, वो तो पूरी लाइफ, लाइक नॉट पूरी लाइफ बट स्टार्टिंग के कुछ 4-5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. जुडिशियरी एग्जाम के लिए भी आपको सेम लाइक LLB, आपको वो फॉर्म होता है, टाइम टू टाइम उसका आप ध्यान रखिए कब फॉर्म आता है. अभी तो कोविड चल रहा है तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो आप वो ऑनलाइन गूगल करके देख लीजिए कब फॉर्म आने वाला है क्या है, और वो फॉर्म भरिए पहले, सबसे पहले. और जुडिशियरी एग्जाम के लिए आपको कोचिंग ही जाना पड़ेगा. आई वॉन्ट सजेस्ट सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते बैठोगे आप तो आपको सब पूरा होलिस्टिक उसमें नहीं समझेगा. काफी ट्रिक्स और ट्रिक्स एंड यू नो देयर आर सम वेरियस ट्रिक्स पर्सनल एग्जाम में कैसे क्रैक करना है, हाउ टू सॉल्व, टाइम लिमिट में कैसे आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, वो सब तो आपको कोचिंग वाले ही आपको अच्छे से सिखा सकते हैं. सेल्फ स्टडी में कैसे आपको पता चलेगा ये सब ट्रिक्स, है ना?
तो आप सबसे पहले कोचिंग ढूंढिए अच्छे. आप पुणे में हो तो बहुत सारे कोचिंग है यार पुणे में, जुडिशरी की बहुत सारे, बिकॉज पुणे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस बहुत है ना, एंड जुडिशरी एग्जाम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है, JMFC एंड ऑल दैट, मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड ऑल दैट. तो आप पहले कोचिंग लगाइए, डोंट डू सेल्फ स्टडी. आपको अगर 2-3 बार एग्जाम देना है, अटेम्प्ट देना है, तो आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो साइड बाय साइड. आपको फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में क्रैक करना है JMFC, तो आप कोचिंग ही जाइए, कोचिंग ही करना उसके लिए. आई वॉन्ट टू नो सम जुडिशरी. हाँ वो बता दिया मैंने. ओके प्लीज ब्रीफ अबाउट कॉपीराइट लॉ. वाह कॉपीराइट लॉ इज सो अमेजिंग, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट लॉ टू स्टडी. बहुत इंटरेस्टिंग है यार कॉपीराइट लॉ. इट कम्स अंडर IPR विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना सा होगा कुछ, आई थिंक 250 कुछ पेजेस, 300 पेजेस, बट या फिर थोड़ा ज्यादा, बट काफी इंटरेस्टिंग है यार कॉपीराइट लॉ. मैं तो अभी आपको लाइव पे नहीं बता सकती हूँ कॉपीराइट के बारे में पूरा, इतना सारा है वो. पर उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, सलमान खान वाला जो वीडियो था ना राधे मूवी का, वो एक कॉपीराइट के ऊपर है. सो टू टेल यू अबाउट कॉपीराइट, कॉपीराइट का एक सेपरेट प्रैक्टिस एरिया ही है IPR का. बहुत सारे लॉ फर्म्स है पुणे और मुंबई में और दिल्ली में जो कॉपीराइट प्रैक्टिस करते हैं. जिनको IPR में इंटरेस्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंटरेस्ट है, यू ऑल कैन जॉइन सम IPR फर्म फ्रॉम योर कॉलेज इटसेल्फ, फ्रॉम योर थर्ड ईयर, बिकॉज टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉपीराइट लॉ वर्क्स एंड द प्रैक्टिस हाउ टू डू इट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू रीड एंड स्टडी. सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज क्वाइट डिफरेंट इन IPR. बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केसेस है पता है कॉपीराइट के, कितने कितने लोगों ने ऐसे फेक फेक चीजें बनाई है, फेक वेबसाइट्स बनाई है, जो ऑलरेडी अगर सपोज एक होटल है जो कुछ ब्रांड, सपोज एक गुटखा का केस है, बहुत ही बड़ा केस है गुटखा टोबैको वाला. देयर वाज वन कंपनी जिसका ऑलरेडी 100 ईयर्स से वो नाम की कंपनी थी, एक छोटी सी टपरी थी बेसिकली. फिर एक बड़ी सी कॉर्पोरेट, बड़े से मल्टीनेशनल कंपनी ने एक चालू किया विद द सेम नेम, सेम नेम आई थिंक इन 2017 और समथिंग लाइक दैट. और वो जो छोटी वाली टपरी वाला जो मालिक था ना, उसको पता चल गया ये ऐसा ऐसा इसने मेरे नाम से कोई ब्रांड चालू किया है, तो उसने हाईकोर्ट में जाके पिटिशन किया. तो जितना भी रॉयल्टी, जितना भी इनकम था, वो उसका काफी सारा शेयर वो टपरी वाले को मिला था. सो वो टपरी वाला भी क्या मल्टीनेशनल टपरी वाला इन 1-2 केसेस. तो आप अगर आपका कोई ब्रांड है कॉर्पोरेट, तो आप देखिए अगर सिमिलर नेम से कोई बिजनेस कर रहा है आपके नाम पे और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो गो सू देम, यू कैन क्लेम अ लॉट ऑफ रॉयल्टी एंड स्टफ लाइक दैट. सो यू हैव अ ग्रेट चांस इन दैट. देर आर सम पीपल, पता है आपको, आई टेल यू सम सीक्रेट्स. ओके यार, देर आर सम सीक्रेट्स. अगर आपको लगता है कि कोई नाम है जो बहुत कॉमन है और यूज हो सकता है फ्यूचर में, तो लोग क्या करते हैं पता है, जैसे क्या कोई भारत बुक्स, ये अगर कोई किसी ने ऑलरेडी लिया नहीं है इंडिया में, तो वो कॉपीराइट एक्ट में जाके रजिस्टर कर देते हैं भारत बुक्स. ओके फिर कोई आता है और उसको पता नहीं हो तो वो कोई भारत बुक्स नाम से कोई उसको चालू करना है, तो कॉपीराइट में वो आप जब रजिस्टर करते हो कंपनी, तो दिखता है कि किसी ने ऑलरेडी ये नाम खरीदा हुआ है. और ये जिसको चालू करना है उसको बहुत बुरी, मतलब ही डेस्परेटली वांट्स दैट नेम भारत बुक्स ओनली. तो फिर वो जो जिसने रजिस्टर किया है ना, वो 10-20 हज़ार लेके अपना नाम, फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है गिव मी 1 करोड़ रुपीज, आई सेल माई नेम एंड माई टाइटल टू यू. तो उसमें भी काफी सारे लोग इस बिजनेस में है, पता है आपको, कि कोई भी नाम उठा लो जनरल बहुत अच्छा सा सुनाई आता है, उसको आप रजिस्टर कर लो, क्लेम्स ले लो, एंड देन इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ कंपनी विद दैट नेम, पर्टिकुलरली ओनली दैट नेम, देन यू कैन सेल दैट टाइटल, यू कैन सेल दैट नेम टू दैट पर्सन एट अ वेरी हैवी कॉस्ट. सो लॉट ऑफ पीपल डू दैट. बिजनेस माइंडेड लोग देखो ना यार, कितने अपने इंडिया में कितने जुगाड़ू और कितने इंटरेस्टिंग लोग हैं, किस किस चीज में बिजनेस बना लेते हैं यार. बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं मुझे तो लगता है. टैलेंट अच्छे से यूज करो सब अपना. लॉ सीट इज इजी. हाँ, इजी है, इजी. अगर पढ़ाई करोगे तो सब कुछ इजी है. बेटर देन क्लैट. क्लैट इज डिफिकल्ट. सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट इज डिफिकल्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल दोस people also have entrance exams and all. आपको क्लैट इजी है अगर आप अच्छे से वो करोगे तो, MCQ सॉल्व करोगे तो, यू कैन गेट इनटू नाइस कॉलेजेस लाइक फर्ग्यूसन, ILS एंड ऑल दैट. बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं. इस ब्रांड लोगो इम्पोर्टेंट. यस इट इज, एंड दैट इज वाई इट हैज सो मच ऑफ वैल्यू. इसीलिए तो लोगों ने अपना बिजनेस बना के रखा है. लोगो रजिस्टर करते हैं और किसी को चाहिए हो तो बोलते दे दो 1 करोड़ रुपए ले लो मेरा लोगो.
सो इट इज इम्पोर्टेंट, इट गिव्स यू, इट गिव्स एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है लोगों से, लोग मतलब क्या होता है, लोगों से लोगों के मन में साइकोलॉजिकल, लोगों लोगों बहुत हो रहा है ना अगर आपके कोई कंपनी का लोगो हो ना अच्छा खासा, तो वो ऐसे एक अलग इम्प्रेशन क्रिएट करता है एक कस्टमर के दिमाग में. सो दैट्स व्हाई मार्केटिंग में ये काफी सारी स्टडी की जाती है अबाउट लोगो एंड अबाउट हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट एंड स्टफ लाइक दैट. तो लोगो इज इम्पोर्टेंट, यस, एज माई पर्सनल ओपिनियन इज लोगो इज इम्पोर्टेंट. हाउ टू फाइंड परफेक्ट लॉयर फॉर प्रैक्टिस इंटर्नशिप. अच्छा, हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट लॉयर, यू कैन गो इन द कोर्ट, यू कैन आस्क पीपल अराउंड इन द कोर्ट. आप कोई क्लर्क्स होंगे तो उनको पूछ सकते हो कि हु इज अ लीडिंग लॉयर इन दिस कोर्ट. आपको क्रिमिनल की प्रैक्टिस करनी है तो आप आपके फ्रेंड्स हैं, नहीं तो आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी किसी के पास हो उनको पूछ सकते हो, क्योंकि जो रोज कोर्ट में जाता है उसको बिल्कुल पता होता है कि लॉयर की किसकी प्रैक्टिस कैसी है. तो आप आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो, कोर्ट में काम करने वाले क्लर्क्स को पूछ सकते हो, कोर्ट में काम करने वाले स्टाफ को पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्रिमिनल का बेस्ट लॉयर कौन है, या फिर सिविल का बेस्ट लॉयर कौन है, आईपीआर का बेस्ट लॉयर कौन है. उसके हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट कीजिए, और इट जस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन अ लॉयर. आप अगर सबका अलग अलग स्टाइल होता है काम करने का, ठीक है. काफी लॉयर्स होते हैं वो वर्कोहॉलिक होते हैं, वो दिन रात काम करते हैं. काफी लॉयर्स होते हैं वो 5 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद दे आर इन द पर्सनल लाइफ, उसके बाद वो देखेंगे भी नहीं, वो डायरेक्ट कल 9 बजे ऑफिस में आएंगे एंड देन दे विल. सबका अलग अलग स्टाइल होता है. तो अगर आपने शॉर्टलिस्ट किया 4-5 लॉयर, तो आप थोड़ा इंक्वायरी कीजिए किसका स्टाइल कैसा है, आपको कौन सा सूट हो रहा है. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी लॉयर को ज्वाइन कर लिया और फिर दे आर वर्कहोलिक्स, और आपको भी इतना काम करना पड़ रहा है कि आपको पर्सनल लाइफ में, अगर आप ऐसे इंसान हो जो दिन रात काम नहीं कर सकते हो और आपको पर्सनल टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद का, तो क्या लाए, मतलब आप इंजॉय नहीं कर रहे हो बेसिकली योर इंटर्नशिप, यू आर नॉट इंजॉइंग योर लाइफ, योर इंटर्नशिप कुछ सीख रहे हो पर आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो नहीं चाहिए ना. तो आप सबका वर्किंग स्टाइल देखिए कैसा होता है, तो यू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मुझे लगता है मोर देन जस्ट लर्निंग द लॉ, योर लाइफ ऑल्सो शुड बी वेरी बैलेंस्ड, नहीं तो कुछ मजा ही नहीं है उसमें, है ना. ओके, सलोनी आस्क्ड मी अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, मुझे ऊपर जाके देखे, वेट वेट. इफ समवन हैज 80-80 इन एनी ईयर ऑफ लॉ, इज दैट पर्सन एलिजिबल फॉर जीएमएफसी, और प्रैक्टिस ऑफ 3 years इज रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल. ओ सलोनी, आई थिंक 80-80 का कुछ तो भी, मैं जब कॉलेज में थी मुझे तब हमारा सेम डिस्कशन हुआ था. यस, 80-80 डज इफेक्ट ऑन योर जेएमएफसी, शायद से एलिजिबल नहीं होते 80-80 के वजह से. यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद ऑल योर सब्जेक्ट्स, अनलेस कुछ 80-80 जब यू नो स्कोर गलत कर दिया है. रीजन भी आता है ना उसमें, कोई कोई यूनिवर्सिटीज रीजन भी देता है कि सपोज आपको 52 मार्क थे, उन्होंने 25 कर दिया, तो वो गलती से हो गया. सो वो वेरिफिकेशन के टाइम पे, वेरिफिकेशन फोटोकॉपी आप जब मंगाते हो उसमें अगर गलत हो तो देन दे क्लियर आउट योर 80-80 देयर. तो ऐसा कुछ हो अनलेस इट इज लाइक दैट. और सपोज आपको सच्ची में आपने कुछ पेपर में लिखा ही नहीं है और 80-80 हो गया, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर फिलिंग अप द जीएमएफसी फॉर्म्स एंड ऑल दैट. यू कैन डू इज जीएमएफसी, तो आप 1 साल पढ़ोगे इसके बाद, कॉलेज के बाद, तो आप तुरंत कॉलेज के बाद आपका सनद बनवा लो. डोंट वेस्ट योर टाइम, लोगों को लेजीनेस में उनका 1-2 साल वेस्ट हो जाता है उसमें. तो आपको जेएमएफसी करना है तो आप तुरंत अपना सनद बनवा लो, 3 साल तक आपका क्लियर होता ही. मैम यू स्पीक वेरी फास्ट, आई नो, आई एम सो सॉरी, मेरा बहुत फास्ट बात करती हूँ मैं, सॉरी, आई ट्राई टू थोड़ा सा. अच्छा, आप अगर 3 साल आपको लगेगा जेएमएफसी का सब स्टडी करने में वगैरह, पर आप कॉलेज से अगर कर रहे हो तो देन दैट्स अ डिफरेंट केस. पर आप अपना सनद तुरंत बनवा लो सलोनी, अगर आपको जेएमएफसी का एग्जाम देना है, और फिर आप एलिजिबिलिटी देखिए, आपका 80-80 नहीं होता है, एंड देन यू स्टार्ट फिलिंग अप योर फॉर्म एंड ज्वाइन अ कोचिंग फॉर योर दिस थिंग जेएमएफसी. हाँ, अभी मैंने थोड़ा स्पीड कम कर दिया है मेरा, सॉरी, कॉन्शियसली कम कर दिया, मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ. देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन आई गो इन द कोर्ट एंड स्टार्ट आर्ग्यूइंग, आई एम लाइक सो फास्ट. So the honorable judge has to be like, Miss counsel, please. Then I have to restart my arguments with a lower pace and speed. What sections are important to know for everyone? Various sections. अभी मैं आपको particular number नहीं बता सकती हूँ. Majorly copyright law, IPR, जिसमें ज्यादा लोग trouble में आते हैं ना, मैं बताती हूँ. Criminal law में ज्यादा लोग फंसते हैं. तो क्रिमिनल लॉ मतलब आईपीसी, आईपीसी के सारे पकड़ लो यार, सारे नहीं यार,
आई थिंक 60% जो सेक्शंस है वो लोगों को जानने की बहुत जरूरत है. एंड आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन दोस 50-60% ऑफ सेक्शंस जो डे टू डे लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. वो सारे सेक्शंस के ऊपर ही मैं 1x1 वीडियोस बना रही हूँ. सो वो सारे जो जनरल आईपीसी के 50-60% सेक्शंस है वो सबको जानने की बहुत जरूरत है. एंटीसिपेटरी बेल की फीस कितनी लेते हो? I don't reveal my fee structures on social media platform kyunki because every case is different, every FIR is different, every FIR has different charges. Aapke against kitna aapka case kitna strong hai, weak hai, fir kahan pe hai wo case. High court ki fees alag hoti hai lawyers ki, Supreme Court ki fees alag hoti hai, lower courts ki fees alag hoti hai, sessions court, magistrate court, so all the fees are different. So it depends on the case, it depends on the court, and it depends on the lawyer. मैं आपको जब तक मैं आपका FIR नहीं देखती हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चलता आपके charges क्या है, जब तक मुझे पता नहीं चलता आपके facts क्या है, और जब तक मुझे ये पता नहीं चलता आपका case कौन से court में है, मैं आपको fee structure नहीं बता सकती उसका. That will be wrong for me to tell you. It will be wrong. Tell me about criminal lawyers. क्या जानना है Swa? What exactly about criminal lawyers? I'll tell you about criminal lawyers. I am also one of the criminal lawyers. So I can tell you. बताओ. पूछो मुझे what exactly. Saloni, after 3 years practice, she will be eligible. अच्छा. Abhijit has answered Saloni Kataria's question. Ma'am, actually, I want to talk virtually. Please accept my request. अच्छा, Saurav. Okay, I will do that. Yes, ma'am, you speak too fast. Abhishek is also seconding the thought of someone who said yes. Abhishek, I know that, I'm sorry. I will try to control my speed now. Hi, Swa. Yes, you had asked me about criminal lawyers, na? How safe is it for criminal lawyers? So ladies, acha. So I am also a criminal lawyer, and safe as in thoda sa, see, you have to deal with criminals basically. So it's always a tough job to do that, but सेफ्टी वाइज इट्स अभी तक तो किसी लेडी लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरी सर्कल में या फिर मेरे जानकारी में. आई हैव नॉट सीन एनी लेडी लॉयर बीइंग हरास्ड और लाइक सम एनीथिंग लाइक दैट बाय द क्लाइंट्स बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द क्लाइंट. जब आप क्लाइंट को ऐसे दिलासे देते हो कि यू नो आपका केस तो मैं जीत के ही दिखाऊंगी, आपका केस तो मैं ऐसे ही करूंगी, आपका 100% जीतने वाला केस है, आप तो टेंशन ही मत लीजिए वगैरह वगैरह. पर मैंने बताया पहले ही कि कोर्ट में जाके जब आप केस देते हो तो पूरा सिनेरियो एवरी डेट पूरा सिनेरियो चेंज होता है क्योंकि सामने वाला जो एडवोकेट है वो ऑब्वियसली उनके साइड से बात करेंगे. आप जो भी बोलो वो उसका काउंटर निकालने वाले हैं. लॉयर्स विल ऑलवेज कम अप विद सम न्यू काउंटर्स वगैरह वगैरह. तो जज भी विल डिसाइड द केस अकॉर्डिंग टू व्हाट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. करेक्ट. सो यू कांट एवर प्रॉमिस अ क्लाइंट कि आपका केस मैं जीत के दिखाऊंगी, आपका केस वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इट यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर विद द लॉयर योर क्लाइंट दैट इट इज 50-50 चांसेस. तो अगर आप अच्छे से उनको बता देते हो कि ऐसे ऐसे है तो मुझे नहीं लगता कोई क्लाइंट आपको परेशान करेगा अनलेस एंड अंटिल उसको कुछ पर्सनल रिवेंज वगैरह कुछ लेना है तो. बट आई हैव नेवर सीन अ लेडी बीइंग हरेस्ड इन क्रिमिनल लॉ एज पर माई पर्सनल ओपिनियन. देर मस्ट बी अ फ्यू बट यू कैन स्टेप अप इन बी अ क्रिमिनल लॉयर इफ यू वॉन्ट. हाई राहुल. हेलो पूजा मैम. आई हैड अ वेरी फ्रेंडली क्वेरी. अच्छा. Is it possible for a seasoned criminal lawyer like you to practice other forms of law like real estate etc along with criminal law? Yes, of course, why not. I do. In fact, I am not just a criminal lawyer, we have civil cases also in our office. We have cooperative law. We majorly, my father is into cooperative law and civil law. Me my brother are into criminal law and real estate law, RERA and all that. We do all sorts of cases, literally like all sorts of cases. Copyright ka bhi maine kiya hai kuch. IPR also I've done. So it's not about just if I mean definitely if someone wants to only practice criminal law to wo choose kar sakta hai ki main sirf criminal law ke cases lunga baki kuch nahi lunga. Aise kafi sare lawyers hai jinko sirf wahi pasand hai. Par abhi since mere dad is in civil to mujhe wo ek option hai open ki I can do civil practice also. But there are lawyers who do both. There are lawyers who do civil and criminal. There are lawyers who do civil, criminal, IPR, corporate, company law, sab kuch karte hain. So yes, definitely Rahul, it is possible. Thank you ma'am for responding. Yes, sure, Saurav.
आप वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, स्टूडेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन देखिए, जेएमएससी का कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हो और उसके ऊपर डेट रहेगी कब से वो लागू होने वाला है, वो पर्टिकुलरली लिखा होता है वहां पे, सिंस व्हेन इज दिस गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. तो उसके ऊपर अगर ऑफिशियली है तो फिर ठीक है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है या कोई इंटरनेट के ऊपर कोई आर्टिकल्स है तो डोंट बिलीव इन ऑल दैट. ऑलवेज गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड योर ऑफिशियल वेबसाइट्स, उधर से वेरीफाई करना वहां से. और कौन से क्वेश्चन? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सेशन कोर्ट इज क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केसेस जो है वो सेशन कोर्ट में होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल वगैरह वगैरह सब कुछ फैमिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है. सेशन कोर्ट मतलब बेसिकली आपके जो भी आईपीसी के रिलेटेड ऑल क्राइम्स एंड ऑल दैट, दैट वी गो इन सेशन कोर्ट. दैट्स एके बंसल्स क्वेश्चन. आई होप आई हैव आंसर्ड इट. सो मेनी क्वेश्चन, माई गुडनेस मैम. एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक वर्चुअली. अच्छा, वो सौरभ ने बात कर ली. ओके आंटी, टेल मी अबाउट. ओके, अच्छा, और कोई क्वेश्चन है क्या? हाउ टू बी अ परफेक्ट लॉयर फॉर प्रैक्टिस. व्हाट अ क्वेश्चन. हाउ टू बी अ परफेक्ट लॉयर, वो तो एक्सपीरियंस से ही आता है. स्टार्टिंग में नहीं है, समझता है कुछ. स्टार्टिंग में तो पूरा कंफ्यूजन में निकल जाते हैं, दो तीन साल लैंग्वेज समझने में, कोर्ट में कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ जाना है, वो फाइलिंग प्रोसीजर समझने में, फिर उसके बाद आपको लॉयर्स कौन से है, कलीग्स कौन से है, वो सब नोटेड. थैंक यू सो मच. ऑल राइट राहुल, थैंक्स. तो वो सब इसमें निकल जाते हैं आपके सारे दो तीन साल, क्या कोर्ट में क्या क्या है वो जानने में. तो क्या था आपका क्वेश्चन? आई एम सॉरी. हाउ टू बी अ परफेक्ट लॉयर. परफेक्ट लॉयर बनने के लिए पहले तो आप एक्सपीरियंस लीजिए बहुत सारा, फिर उसके बाद क्लाइंट से बात करना है, डील करना है, जजमेंट्स पढ़िए. लेटेस्ट जो एवरी डे देर आर सम न्यू लैंडमार्क जजमेंट्स, वो जजमेंट्स के ऊपर आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. केस लॉज एंड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, अगर आप न्यूज में आते रहते रोज, नए नए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया, वो सारे जजमेंट्स आपके केसेस में यूज कर सकते हो और पूरा केस चेंज कर सकते हो उसके ऊपर. अगर लॉ भी कोई चीज बोलता है, कोई सेक्शन है जो ऐसे ऐसे बोलता है, पर लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना उसमें कुछ व्यूज दिए हैं और कहा है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर उनका व्यू आपके केस में यूज करके पूरा केस ट्विस्ट कर सकते हो बेसिकली. दैट इज व्हाई इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आई टोल्ड यू, सो नेवर प्रॉमिस योर क्लाइंट कि आपका केस जीतने ही वाले हैं, क्योंकि सामने वाला एडवोकेट लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेके आया, प्रेजेंट किया, सर दिस इज द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लॉ तो ऐसा कह रहा है पर अभी. सो दैट्स हाउ यू कैन बी अ परफेक्ट लॉयर. कमांड ओवर योर लैंग्वेज. लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है. इफ यू कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कम्युनिकेट वेरी वेल विद योर विद द कोर्ट. आप जो बात करते हो वो सामने जज को वेरी क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड विदाउट मेनी वर्ड्स. एक लेक्चर नहीं देना है आपको, स्पीच नहीं देना है कोर्ट में जाके, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास जजेस को सुनने के लिए. यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड अप टू द पॉइंट. आपका इतना अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए कि आप जाके जज को पॉइंट बताओ कि ऐसा 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 है. इतना लेक्चर नहीं देते बैठना है, मूवीज में देखते वो सब नहीं होता है, वहां पे बहुत कम टाइम होता है. और आप बकवास कर, आप एक्स्ट्रा बातें करते रहोगे तो जज विल ऑल्सो बी पिस्ड, दे विल बी लाइक नेक्स्ट डेट. सो आपको बहुत अप टू डेट और बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है. कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कीजिए आपको अगर अच्छा लॉयर बनना है. एंड अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज देयर. इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश नाउ. एवरी डे अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए इंग्लिश में, आपके ब्रदर या सिस्टर होंगी उनके साथ आप बात कीजिए इंग्लिश में. तो इंग्लिश आप जितना आपका कमांड लाओगे आपके लैंग्वेज के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आप बहुत अच्छे लॉयर बनोगे. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन राहुल हैज, इज इट रियली बेनिफिशियल टू परस्यू एलएलएम इन इंडिया, डज इट इंक्रीज वेटेज इन इंडिया? नो, सी अनलेस आपको अगर कॉर्पोरेट फर्म में जाना है ना, जहां पे कॉर्पोरेट जॉब्स मिलते हैं, यू हैव टू सिट इन द ऑफिस एंड वर्क फॉर योर बॉसेस, तब आप अगर फॉरेन से एलएलएम करते हो तो उसको वैल्यू रहेगा. ओके, बिकॉज दे विल लुक एट फॉरेन एलएलएम एज वन ब्रांड. ओके, बट अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो आपको एलएलएम इंडिया का ही होना चाहिए. फॉरेन का आप लॉ पढ़ के आओगे और इंडिया में आके आप क्या उसका यूज करने वाला है? मतलब यू कांट गो एंड टेल द कोर्ट कि यू नो मैंने अपना एलएलएम किया था, ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस दिस दिस. द जज विल बी लाइक व्हाट द हेल,
यू आर इन इंडिया, यू हैव टू टेल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? यू कांट टेल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यू कांट से कि मैंने 50 लाख रुपीज भरा और फॉरेन में जाके एलएलएम किया है, तो अभी आपको सुनना पड़ेगा. ही विल बी लाइक गेट लॉस्ट. सो नो, आपको प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में, तो आप इंडिया से लॉ कीजिए, एलएलएम कीजिए. और आपको फैंसी कॉर्पोरेट फर्म्स में काम करना है, फैंसी फैंसी डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, ये सब करना है, तो एंट्री लेवल पे आपको आपको आपके इंटरव्यू में फ्लॉन्ट करने के लिए आपको फॉरेन डिग्री होगी तो बहुत अच्छा है. क्योंकि अगर दो लोग हैं, सी आई विल टेल यू, मेरी अगर कॉर्पोरेट फर्म है, ओके, मैं कंपनी हूँ, मुझे लॉयर की जरूरत है, दो लॉयर्स आते हैं, एक आता है कोई पुणे यूनिवर्सिटी से एलएलएम करके, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, एंड समवन कम्स फ्रॉम सपोज नॉटिंगम यूनिवर्सिटी इन यूके और सम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, तो मेरा मेंटालिटी क्या होगा कि अच्छा ये जो फॉरेन में पढ़ के आया उसको तो ज्यादा पता होगा, और मैं तो फैंसी, मेरा ब्रांड क्रिएट करना है मेरे कंपनी को, तो मैं तो इसको लूंगी, इसकी इंग्लिश अच्छी होगी, ये होगा, तो इट क्रिएट्स अ डिफरेंट इंप्रेशन. अच्छा, ओके, दैट्स वन थिंग. इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू फैंसी कॉर्पोरेट फर्म्स, देन यू कैन ज्वाइन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, बट इफ यू वॉन्ट टू कोर्ट प्रैक्टिस, देन डोंट गो फॉर अ फॉरेन यूनिवर्सिटी. इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. आई फील लाइक I mentioned this before also, 40-50 lakh you're going and spending there. If you have a lot of money, then do it. But aapke paas nahi hai, to aap, I mean, why? And otherwise, other option is just buy a BMW or a Mercedes 40-50 lakh ka. Apne court mein jao roz leke. Usko flaunt karo, yaar. What is going to happen with a degree foreign, which is of no use in India? So, I hope I have answered your question, Rahul. Okay. After LLB we get license or not? After LLB, हाँ, आपको सनद मिलता है ना, आप वो फॉर्म भरना चाहिए आपको. आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करना है तो महाराष्ट्र बार काउंसिल में जाके ऑफिस होता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाओगे तो छोटा सा ऑफिस रहेगा महाराष्ट्र बार काउंसिल का. आप वहां पे जाके आपका LLB डिग्रीज वगैरह वो फॉर्म ले लेना, 500-600 का फॉर्म होता है वो, और उसको भर के आप AIB एग्जाम होता है, ऑल बार एसोसिएशन बार काउंसिल का एग्जाम होता है, वो क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है. उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50%, मतलब 100 मार्क्स का पेपर हो, आपको 50 अबव मिले तो आप क्लियर हो, तो वो भी MCQ होता है, एंड इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, तो आप बुक्स लेके जा सकते हो अपने एग्जाम में, और जो भी आंसर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेयर एक्ट खोलिए, देखिए आंसर, टिक कीजिए, वेरी इजी. सो मैम, मैं फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो कॉलेज क्लोज है. आप कर सकते हो. मैंने ये लास्ट पहला पार्ट वन जो था ना मेरे वीडियो में, मैंने अभी अपलोड किया है, उस पर आप जाके देखिए, मैंने इसके बारे में बात की है कि फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस करनी चाहिए. नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं तो थर्ड ईयर से सजेस्ट करूंगी यार. फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप प्लीज एंजॉय योर लाइफ, बट आप बहुत ही सीरियस और नॉडी हो और आपको बहुत ही डेस्परेटली लॉ सीखना है, तो आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हो. बिकॉज यार कोरोना की वजह से अभी तो कोर्ट कॉलेजेस आर ऑल्सो क्लोज्ड, सो वाई नॉट यूज इट फॉर समथिंग बेटर, राइट? सो या यू कैन डू इंटर्नशिप्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पर्सनल चॉइस. आई एम पिनोजा अरुंधति. ओके, लेट मी सी, अरुणा इज कॉलिंग मी. पिनोज, आई विल जस्ट कम बैक टू योर क्वेश्चन. समवन सेंट मी अ रिक्वेस्ट एंड आई थिंक शी इज कमिंग ऑनलाइन. अच्छा, वो उसने ये हो गया. पिनोजा, ओके, आई एम पिनोजा, सॉरी पिनोजा, आई थिंक आई मिसप्रोनाउंस्ड योर नेम बिफोर. आई एम पिनोजा, स्टडिंग LLM इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ एट KIIT यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो प्रोफेशनली मंडाला आर्टिस्ट एंड एडवोकेट एट ओरिसा हाईकोर्ट. आई लव पीपल हु आर क्रिएटिव, यू नो, आई एम माई सेल्फ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. मुझे तो बहुत पसंद है कोई कोई ऐसा अजीब अलग अलग अजीब नहीं अलग अलग कुछ क्रिएटिव करता है. आई विल चेक आउट योर दिस थिंग, आई विल चेक आउट योर इंस्टा IG, वो जिसमें आप अपना मंडाला आर्ट शो करते हो ना, प्लीज जस्ट DM me और दिस थिंग ना, सो दैट यू नो ये लाइव में नहीं दिखेगा बाद में. आई कांट डू इट, यू DM me, आई विल चेक इट आउट. एंड गाइज ऑल्सो गो एंड चेक आउट हर आर्ट ना, सच एन क्रिएटिव लॉयर. आई लव सच पीपल. मैम, आई हैव वन क्वेश्चन, विच वॉट इज डिफरेंस एक्विजिशन एंड मर्जर. एक्विजिशन मतलब जब दो कंपनीज है, ओके, एक छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है. एक्विजिशन मतलब ये बड़ी कंपनी ने इसको अक्वायर किया, इसको अपने पूरे, इसको अपने, ये लॉस में जा रही थी, दे पेड द कंपनी सम XYZ अमाउंट और उसको अक्वायर कर दिया.
मतलब अभी ये कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जो बॉस, ये उसका बॉस बन गया, ये क्या हो गया, एक्विजिशन. एंड व्हाट इज मर्जर, ओके, ये कंपनी है, ये कंपनी है, दोनों कंपनी थोड़ा थोड़ा लॉस में जा रही है, पर उनको लग रहा है कि अगर ये साथ में काम करेंगे तो प्रॉफिट कमा सकते हैं. आइडिया एंड वोडाफोन, ओके, आइडिया वोडाफोन बोथ हैव मर्ज टुगेदर एंड नाउ दे आर वर्किंग एज आइडिया वोडाफोन, कुछ ऐसा नाम है उनका. तो दे आर वर्किंग टुगेदर, दैट इज मर्जर, मर्ज किया उन्होंने अपना काम, एक्विजिशन में एक्वायर कर लिया एग्जिस्टिंग. तो दूसरे जो कंपनी होती है एक्विजिशन में, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये टेक ओवर कर लेती है उसको पूरी तरीके से. तो ऐसा होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन. One more question, ma'am, that how to know conspiracy is completed? What? That how to know conspiracy is completed? What? Criminal conspiracy, kya? Conspiracy bolna hai aapko ya kuch aur bolna hai, Saurabh? Crystal clear. Rahul is saying crystal clear, ma'am. I will see what I can do about the BMW instead. Le lo yaar. Main foreign university mein 50 lakh dene se achha, main to BMW Beetle. क्या क्या दूसरी कोई अच्छी कार मुझे सजेस्ट कर दो, मैं ले लूंगी वो, उसमें जाऊंगी रोज कोर्ट फैंसी सा मेरा यूनिफॉर्म पहन के, ब्लैक एंड व्हाइट. या यू कैन टेक आउट योर फैमिली ऑल्सो इन दैट. वहां पे अकेले अकेले फॉरेन जाके क्या एंजॉय करोगे, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को लेकर घूमो अपने बीएमडब्ल्यू में. व्हाई आर यू पेइंग सो मच टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज? आपको अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इतना पे करना है, उससे अच्छा आप वेकेशन जाओ ना, वर्ल्ड टूर पे जाओ 50 लाख में. 2 साल रह के हो कहीं और. ठीक है ma'am, can I have my answer? I think Pinoja, I have answered. Pinoja, I have answered your question. Mergers and acquisition, hai na? How to become a PP? Kuldeep is asking me. Kuldeep Tiwari is asking me how to become a PP. PP banne ke liye 7 years of practice ki zarurat hai. Okay, 7 saal aap court mein practice karte ho, to aap eligible ho PP banne, public prosecutor or police prosecutor. Jo AGP, PP hota hai na, aap court mein dekhte ho, jo police ki taraf se ek lawyer hota hai. That he's talking about. तो आपको 7 साल की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो पीपी के लिए. नोटिफिकेशन नोटिस लगाते हैं वो कोर्ट में कि ये नहीं तो बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आता है कि पीपी के हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं, आप चेक करती रहिए. या फिर कोई ऑफिस में जाके कोई क्लर्क को बता देना कि जब भी कोई फॉर्म्स आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, फोन नंबर दे देना उसको, वो आपको कॉल कर देगा. एंड यू कैन फिल अप योर फॉर्म एंड देन यू कैन बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ यू आर एलिजिबल. उसमें भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो जितने वैकेंसी है उतने ही सिलेक्ट होते हैं. योर प्रैक्टिस हैज टू बी गुड. कैन आई फॉलो यू पिनोजा? या या श्योर, व्हाई नॉट. हाउ टू बिकम ओके एक्विजिशन और ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी? यस यस मैम. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज क्रिमिनल प्रैक्टिस इज बेटर और सिविल प्रैक्टिस इज बेटर? सौरभ का आंसर पहले दे देती हूँ, उसने पूछा पहले. यस मैम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हाउ टू नो इफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एंडेड? ना यूर सेइंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड हुई है, ये तो हम नहीं बता सकते अनलेस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है आईपीसी में, उसके अगेंस्ट अगर आपको चार्ज किया है, तो अगर आपके पास वैलिड प्रूफ्स है टू शो दैट दिस वाज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी टू ट्रबल समवन, एंड आपने सामने वाले का मोटिव दिखा दिया उसमें, व्हाट इज द मोटिव, व्हाई वाज दिस डन, उसका कुछ इंटेंशन था टू डू दिस, इफ यू कैन प्रूव दैट इन द कोर्ट देन probably you can say that there was a criminal conspiracy and then that could be yes, that could be your this thing. Criminal practice is better, civil practice is better, Pinoja? Personally I like criminal practice. mere mujhe pooch rahe ho ya sabke liye pooch rahe ho yaar? mere liye to criminal mujhe bahut pasand hai, mujhe bahut interesting lagta hai criminal law. I love criminal practice more. and civil practice में क्या होता है, केसेस गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगता है. लोग ज्यादातर सिविल प्रैक्टिस प्रिफर करते हैं, ओके, बिकॉज दे थिंक क्रिमिनल प्रैक्टिस इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स आर इनटू सिविल, वेरी सिलेक्टिव एंड फ्यू इफ यू कंपेयर द पॉपुलेशन. ओके, क्रिमिनल में थोड़े काफी कम है और सिविल ज्यादा प्रिफर करते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ा सेफ भी होता है एंड it's on personal choice also, और उसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होता है बेसिकली. मतलब टेंशन ऑब्वियसली होता ही, lot of things are on stake, but criminal में जितना आपको, जैसे कोई अरेस्ट हो गया आज, ओके, उसका बेल एप्लीकेशन करना है, तो मतलब क्लाइंट के फैमिली मेंबर्स आए और मुझे बोला कि हमको कल बेल एप्लीकेशन करना है, तो आपको अभी सब करना, सब छोड़ छाड़ के यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ बेल एप्लीकेशन, कल जाके फाइल करना है, डेट लेना है, नोटिस इश्यू करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं. मतलब व्हेन अ पर्सन गोज टू जेल,
ओके जेल में कोई जाता है तो यू नो इफ समवन फ्रॉम योर फैमिली विल गो टू जेल हाउ हाउ बिग डील इज दैट राइट. तो द लॉयर ऑलवेज हैव टू बी ऑन देयर टोज फॉर इट. तो जब भी आपके पास लैंड है आपको हमेशा यू कांट से दैट आई एम बिजी आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन यू कांट से आई एम बी यू नो यहाँ पे कोई जेल में बैठा हुआ है और आपने उनका केस लिया है तो यू कांट गो अराउंड डूइंग वेकेशंस एंड स्टफ लाइक दैट. यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दैट. सो दैट्स हाउ इट इज. आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो यू कैन डू इट. इफ समवन क्रिटिसाइजेज मी और ब्लॉक्स मी हाउ टू हैंडल दैट पर्सन. क्रिटिसाइज किया है उसने आपको असॉल्ट किया है तो आप उसके अगेंस्ट फायर कर सकते हो. ओके यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन द कोर्ट और यू कैन इफ इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हरासमेंट टू यू देन डेफिनेटली गो टू द पुलिस गो रजिस्टर एन FIR और कंप्लेन. एंड ब्लॉक किया है मतलब क्या आई मीन यू कांट उसका ग्रेविटी उतना नहीं रहेगा यार. मतलब सिर्फ ब्लॉक किया है क्रिटिसाइज किया है कुछ तो भी एक दो शब्द बोल दिया है तो डोंट इतना मतलब मत कीजिए. अगर आपको सामने वाले इंसान को सबक सिखाना है टाइप्स विच आई डोंट सजेस्ट एंड सच में जेन्युइनली आपको किसी ने हरासमेंट किया है देन यू गो एंड रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट देम. इफ इट इज लाइक टू मच बहुत ज्यादा अगर हो गया है बहुत दो तीन बार आपको उन्होंने ऐसे पब्लिकली डिफेम किया है कुछ कुछ गंदा बोला है आपके कैरेक्टर असैसिनेशन किया है तो आप वो कर सकते हैं. शी हैड ब्लॉक मी इन व्हाट्सएप. नहीं यार उसका तो कुछ मैं सोल्यूशन लीगल सोल्यूशन क्या बोलूं. व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया आप ही ब्लॉक कर दीजिए उसको. इग्नोर इग्नोरेंस इज ब्लिस. व्हाट इज योर टेक ऑन कुलभूषण. माय गुडनेस व्हाट इज योर टेक ऑन कुलभूषण जाधव केस मैम. यार I'm not going to talk anything contrary. I'm not going to present my views, Rahul, here on social media. I'll tell you in person. मैं आपको जब मिलूंगी तो मैं बताऊंगी what is my view on it. But publicly, I can't express my views on something like that. It is. I understand it was a very high stake matter and it was a very sensitive case. So मैं आपको we'll discuss about that. Which is my friend? How should I? ओके ये सब क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो यार. शी इज माय फ्रेंड हाउ शुड आई इंप्रेस हर. वो आई थिंक तुम रिलेशनशिप कोचेस को पूछ सकते हो हाउ टू इंप्रेस योर फ्रेंड्स. आई कैन नॉट टेल यू. आई कैन टेल यू हाउ टू इंप्रेस द कोर्ट विद योर आर्ग्यूमेंट्स. मैम आई डोंट हैव एनी इश्यू. आई जनरली आस्क्ड यू कि आप थक नहीं जाते क्या. आपको बुरा लगा तो सॉरी. नहीं मैं मुझे बुरा नहीं लगा. आपने सही कहा मैं बात करती हूँ वो तक पानी पीना चाहिए मुझे पर पानी का जार इज नीचे के फ्लोर पे. मैं लाना भूल गई बिकॉज मैंने 8 o'clock को प्रॉमिस किया था आप लोगों को मैं लाइव जाऊंगी एंड इट वाज ऑलरेडी लाइक 10 minutes to 8 एंड आई वाज लाइक इन अ हरी. ओ गॉड शिट एंड वो सब मैं जल्दी जल्दी आ गई और मेरा बॉटल नीचे ही रह गया तो मैं अभी तक 3 बार पानी पी चुकी होती. नहीं तो इट्स ओके. यू डोंट इट्स ओके. आई एम नॉट ऑफेंडेड. इट्स फाइन. And I love to talk a lot, so, and that's my profession. I have to talk. Talking se hi to mera kaam chalta. That's I have to be good at communication. How to justify dying declaration in Indian Evidence Act? Wow, interesting. Dying declaration is presumed to be an evidence in the court of law. Okay, aisa mana jata hai court mein ki agar koi insaan mar raha hai aur usne dying declaration diya, matlab when he's dying and he told ki is पर्सन ने मुझे ये किया है दैट इज द रीजन यू नो दिस पर्सन इज द रीजन बिहाइंड माई डेथ और एनी थिंग विच इज सेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ इज ऑलवेज कंसिडर्ड एंड प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट. सो हाउ टू जस्टिफाई दैट. सो नाउ फॉर दैट यू विल हैव टू प्रेजेंट सम एविडेंस टू शो दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ बट नो यार आई मीन इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी ट्रू बिकॉज कोर्ट का नहीं लॉ का ये मानना है कि जब कोई इंसान मरता है तो वो झूठ नहीं बोलता है राइट. सो दैट इज वन चैलेंज देयर. सो यू कैन शो सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑलराइट नॉट हाई कोर्ट. यू कैन शो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन दैट प्रोस्पेक्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. देयर आर वेरियस जजमेंट्स अबाउट दिस इशू. इतना सारा इंटरप्रिटेशन हुआ है ये डाइंग डिक्लेरेशन की बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट बायस्ड करेक्ट. सो देर आर लॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. आप अगर गूगल करोगे ना आपको काफी सारे इसमें मिल जाएंगे. कौन सी वेबसाइट है वो इंडियन कानून पे भी मिल जाएंगे और मनु पात्रा पे भी मिल जाएंगे डाइन डिक्लेरेशन के दिस थिंग्स. अच्छा आई थिंक आई हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स बीन अ ग्रेट इंटरक्टिव सेशन एंड
let's conclude it. What say? So I'll see you like in the next 2 weeks. I'm planning to do like every 2 weeks I'll do a live with you all, and you can prepare your questions and keep every time you can ask me these live questions, and I will answer them. Okay, so probably let's meet again in 2 weeks or so on some Sunday, because I try to keep my schedule a little free during this time, because life karna hota hai, I've decided it. So basically, so let's see tomorrow. I will try again in 2 weeks, and next Sunday ko wapas milte hain hum log sab. How to go through the question pattern of All India? आपके कोई सीनियर्स रहेंगे, उनके पास क्वेश्चंस रहेंगे, और एक ये आता है, बुक आता है जिसमें पास्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 2000 मतलब पास्ट 5-6 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बुक में. यू परचेज दैट बुक ऑनलाइन प्रोबेबली, बिकॉज अभी कोविड में बुक स्टोर्स बंद होंगे, तो आप वो बुक्स ले लीजिए जिसमें सारे क्वेश्चन दिए होते हैं. ओके राहुल, हैज वन लास्ट क्वेश्चन. वाई डू एक्सपीरियंस लॉयर्स प्रिफर नॉट टू बी जजेस? So Rahul is on a streak of controversial. All right, fine. I can answer this. So yeah, a lot of lawyers don't prefer to be. There are so many amazing lawyers and very intelligent lawyers, jinko who are like at the par of being a judge. Unko itne sare of matlab collegium se offer aata hai ki naam shortlist hote na, kon judge banna hai. So this lot of people get this opportunity to be a judge, but काफी सारे advocates decline that opportunity. काफी सारे लोग lawyers जो हैं, अभी आप late Mr. Ramjet Malani की example लीजिए, he is so brilliant. तो उनको obviously judge बनने का offer तो काफी बार आ चुका होगा, but वो नहीं बने, because see, being a judge is a difficult life and a very big responsibility, and a person has to be super deserving, and all the judges jo hai abhi currently, they are amazing and very deserving and very capable of being at that position. That's why wo wahan pe hai, but it comes with a lot of restrictions. Aapke social life restrict hoti hai, and you can't express yourself publicly, because you have to be very independent. Aapko ऐसे नहीं जाके बाहर बोल सकते हो कि दिस इज माय व्यू, दैट इज माय व्यू. तो काफी लॉयर्स जो होते, दे आर एक्सट्रोवर्ट्स, दे आर वेरी पब्लिक फिगर्स, एंड दे आर वेरी, नेचर होता है उनका टू बी वेरी ओपन अबाउट थिंग्स एंड ऑल दैट. एंड प्लस अनदर थिंग, इतनी उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है कि द अमाउंट ऑफ इनकम दे जनरेट फ्रॉम द प्रैक्टिस इज सो ग्रेट दैट दे वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग दैट प्रोफेशन. लॉ ही करना पसंद करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको वो मोटिवेशन भी मिलता है, एंड इट्स लाइक अ फ्री होता है ना तुम्हारा माइंड. यू कांट, यू नो, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल दैट. सो यू हैव अ वेरी ओपन थॉट प्रोसेस. व्हेन यू आर अ जज, यू हैव टू बी अ लिटिल नॉट लिटिल बट वेरी 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 clear about what you express. You can't be very expressive and say ki mujhe ye mera ye view hai, wo view hai. To thoda social life tumhara restrict ho jata hai, your views are restricted. So that's why some lawyers prefer not to be judges, even if they are asked to be the judges. Unko agar upar se bola bhi jata hai ki aap baniye judge, to fir bhi they don't take that opportunity. They want to continue being a lawyer. That's the thing. In which court you practice, ma'am? I practice at the Bombay High Court, a Bombay High Court principal bench, and bench at Aurangabad, and also the sessions court, criminal practice, and also the district court and the family court. Everything bahut kuch. So basically Bombay High Court and bench at Aurangabad, both Mumbai and Aurangabad. We want post graduation diploma in human rights, just for knowledge. Acha human rights. Ha, aapko agar bahut interest hai society mein kuch change lane ki, बहुत इंटरेस्ट है आपको सम गुड चेंज इन द सोसाइटी, देन गो फॉर ह्यूमन राइट्स. और ह्यूमन राइट्स करना है तो देन यू कैन चूज अ फॉरेन यूनिवर्सिटी. देयर इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका व्हिच इज अफिलिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमन राइट्स, सो यू कैन अप्लाई टू दैट कोस्टा रिका यूनिवर्सिटी. फॉरन में जाके आप ह्यूमन राइट्स कर सकते हो, बिकॉज ह्यूमन राइट्स इज एन इंटरनेशनल इशू. कैन आई शेयर माई मंडला आर्ट टू यू इफ यू से? या विनोजा, गो अहेड प्लीज. Rahul is laughing. Okay. क्या बोला राहुल? वेट,
Very well answered. Damn, I thought I got a criminal lawyer in a soup, but in vain. Well done, ma'am. lawyers are very diplomatic, you know. आप कुछ भी पूछोगे किसी लॉयर को, वो स्ट्रेट आंसर नहीं देंगे कभी आपको. घुमा फिरा के एकदम पॉलिटिकली करेक्ट, सब सब डिप्लोमेटिक, सब सब डाल दो उसमें एक सूप में, एंड देन यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम अ लॉयर. सो दैट्स हाउ लॉयर वर्क्स. अच्छा, लेट्स स्टॉप नाउ. सम सेशन ऑन प्रॉपर्टी लॉज. ठीक है, नेक्स्ट वाला सेशन विल बी ऑन प्रॉपर्टी लॉ देन. कूल. Let's see. If anybody else wants me to speak about property law, तो लोग DM कर सकते हो. I will obviously prefer more amount of people telling me what they want, because जितना आपका ज़्यादा demand होगा, जितने लोगों का majority demand होगा, उस पे मैं sessions करती हूँ. Last time so many students told me, ma'am, please have a session on students. So this was it. अच्छा. चलो then. In which subject can I refer my PhD? PhD is your choice completely, Pinoja. If you're interested in criminal law, you can opt one particular section of criminal law जिसमें आपको लगता है काफी change आना चाहिए. जैसे क्या, for example, rape laws in India. आपको लगता है rape punishments में change आना चाहिए, current scenario अच्छा नहीं है, या फिर current scenario से कुछ ज्यादा आप expect करते हो, तो फिर you can take that. This is an example. You can take that particular section and choose that as your PhD subject. If you are interested in company law, obviously, if you some section or some point of law which is not up to the par right now in society, or जिसमें थोड़ा change लाने की ज़रूरत है, वैसा subject choose कीजिए for PhD. मतलब आप अपने opinions दीजिए उसमें कि कैसे हम बदल सकते हैं situation by changing the law वगैरह. So that can be your PhD topic. Let's conclude the session now. I'm gonna be uploading this too. I'm not even feeling well actually. मुझे बहुत पता नहीं, I'm not feeling well at all. So I was sleeping in the afternoon. मैं शायद से 4 बजे सो गई और मैं 7:30 का अलार्म लगाया था मैंने. मैं उठ गई जल्दी से टू हैव दिस सेशन. तो आई एम नॉट इवन फीलिंग वेल. तो अभी मैं आई डोंट इवन फील लाइक ईटिंग माई डिनर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू, आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑफ टू स्लीप इन सम टाइम प्रॉबेबली. सो बट देन स्टिल वी हैड अ वेरी लॉन्ग सेशन. तो yes, yes, Vijay, thank you. So you all can check it out on my Insta IGTV. chalo, bye guys, bye, see ya.